प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम गणनाथ के विषय में बात करेंगे। गणनाथ क्या है? गणमूल को शास्त्रों में गणनाथ कहा गया है। गणनाथ में यानी गणमूल में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये समय पिता के लिए, स्वयं के लिए, माता के लिए कष्टकारी होता है। तो जब भी इस गणमूल में बच्चे को जन्म होता है तो उस वक्त जो है इसकी मूल की शांति जो है 27वें दिन कराई जाती है, यानी कि जिस दिन वो नक्षत्र होता है जिसमें नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, तभी पिता बच्चे का मुख देखता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है और इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये गणनाथ जो है हमारा जलीय राशि और अग्नि तत्व राशि के बीच का मिड पॉइंट जो है ये गणनाथ है। जो हमारी तीन राशि जलीय हैं और तीन राशि हमारी अग्नि तत्व राशियाँ हैं, तो इनमें बीच का जो पॉइंट है वो ही हमारा गणनाथ है। तो गणनाथ जो है तीन प्रकार के हैं, तिथि गणनाथ, लग्न गणनाथ और नक्षत्र गणनाथ। तिथि गणनाथ के अंदर नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इनमें शुरू की, प्रारंभ की पहली घड़ी और पूर्णा तिथि हमारी है, पूर्णा तिथि के अंदर अंतिम एक घड़ी जो है ये गणनाथ में आती है। तो एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है। तो ये हमारे जो पूर्णा तिथि हैं, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, ये इनों में ये तिथियाँ हैं जो गणनाथ वाली हैं। और अब हमारी है लगन। लगन गणनाथ में मीन लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन, ये हमारी लगन गणनाथ हैं। तो मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि की आधी आधी घड़ी अंतिम ये गणनाथ में होती है, और मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की प्रारंभ की आधी घड़ी गणनाथ में मानी जाती है। हालांकि गणनाथ तिथि और लगन गणनाथ जो है दोनों का परिहार हो जाता है यदि लगन और लग्नेश अगर यदि मजबूत स्थिति के अंदर हैं। अब हमारे नक्षत्र हैं, जो नक्षत्र हमारे छह नक्षत्र हैं, उन छह नक्षत्रों में अश्वनी, मगा और मूल, इनकी प्रारंभ की दो घड़ी और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती की अंतिम दो घड़ी ये गणनाथ कहलाती है। इनमें बच्चे का जन्म जो है अच्छा नहीं मानते और इसकी मूल की शांति करानी पड़ती है। इसमें पराशर मुनि ने तिथि गणनाथ में बैल का दान करने के लिए बताया है, नक्षत्र गणनाथ में गाय का दान करने के लिए बताया गया है और लगन गणनाथ में सोने का दान करने के लिए बताया गया है। इनकी शांति पूरी तरह से हो जाती है और इनका पूजा भी की जाती है। तो ये हमारी गणनाथ तीनों प्रकार की होती है। तो गणनाथ के समय में जो भी तिथि है गणनाथ की, उसमें कोई भी कार्य शुभ नहीं किया जाता, और यदि किया जाता है तो वो अच्छा नहीं बनता, यानी कि उसमें अड़चने आती है। तो इस वजह से गणनाथ की तिथि के अंदर हम किसी भी शुभ कार्य के लिए मनाई करते हैं। और बच्चे का जन्म तो ईश्वर की देन है, उस टाइम पे हो जाता है, लेकिन उसकी भी फिर मूल की शांति कराई जाती है तो उसमें भी वो सही हो जाता है। लेकिन गणनाथ में बच्चा जन्म जब लेता है तो उसमें परेशानियाँ उनको आती है, पिता को आती है जो चरणों के हिसाब से, और माता को या भाई बहन को या स्वयं को आती है, वो चरणों के हिसाब से है। लेकिन इसमें कई बार ये ज्येष्ठा और मूल जो नक्षत्र हैं ये ज़्यादा अशुभ माने गए हैं। तो इसमें
कई बार इसमें जन्मा बच्चा अगर उसकी मूल शांति अरोज कराई जाए तो वो अच्छी तरक्की करता है आगे चल के। तो ये गंडांत के विषय में आज हमने बताया। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।